नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी की रात 10:39 से रात 2:40 तक दिखाई देगा। इसे उपछाया यानी पैनुम्ब्रल ग्रहण कहा जाएगा। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यह चंद्र ग्रहण मिथुन राशि में लगने जा रहा है, इसलिए महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि इस ग्रहण के क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। 2020 का पहला चंद्र ग्रहण काल पुरुष के तीसरे भाव में लगने की वजह से युद्ध की संभावनाएं भी बनेंगी। प्राकृतिक आपदाओं का संकट भी बढ़ सकता है। भारत के दूसरे भाव में यह ग्रहण लगने जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारत को आने वाले समय में बड़ी धन हानि हो सकती है। 29 फरवरी तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस चंद्र ग्रहण का असर धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट करेगा। धर्म के मामले में उत्पाद बढ़ सकते हैं, जिसमें बड़ा नुकसान होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। पितृदोष से पीड़ित लोगों को इसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इस चंद्र ग्रहण का सभी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों, ये ग्रहण आपके तीसरे भाव में लगने जा रहा है। भाई बहनों से कहा सुनी और बदनामी के योग बन रहे हैं। मान सम्मान में कमी होगी। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए मेष राशि के जातक को गम मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। इसके साथ ही नमः शिवाय मंत्र की भी 3 माला जपनी होंगी। वृषभ राशि वालों के धन हानि के योग बन रहे हैं। आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है या व्यापार में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरे भाव में चंद्र ग्रहण धन कुटुंब संबंधित वाद विवाद करवा सकता है, इसलिए सफेद चीजों का दान करें, जैसे सफेद कपड़ा, चावल आदि। मिथुन राशि वालों, सबसे ज्यादा समस्या मिथुन राशि के जातकों को ही आने वाली है। शारीरिक और मानसिक सेहत खराब रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित होगा। करीब 45 दिनों तक पार्टनर से झड़प या अनबन में पड़ने की गलती ना करें। यह चंद्र ग्रहण आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी करवा सकता है, इसलिए कच्चे दूध से रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। कर्क राशि वालों, ये ग्रहण कर्क राशि के 12वें भाव में पड़ने जा रहा है। धन हानि की संभावना है। दुश्मनों के षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। नसों या दांतों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। सिंह राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि के 11वें भाव में पड़ने जा रहा है। सिंह राशि वालों को ये चंद्र ग्रहण लाभ जरूर देगा, लेकिन बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे। पढ़ाई लिखाई में लगे छात्रों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। खर्चों को रोकने के लिए दवा का दान करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कन्या राशि वालों, ये ग्रहण कन्या राशि के 10वें भाव में लग रहा है। इस दौरान करियर या प्रोफेशन में बड़ी दिक्कत हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। आर्थिक हानि होने के भी योग बन रहे हैं। नौकरी के बदलाव भी हो सकता है। शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण दुर्भाग्य के योग बना रहा है, यानी आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे। सही दिशा में होने वाली चीजें भी बिगड़ती चली जाएंगी। तुला राशि वालों को बेहद संभल कर रहने की जरूरत है। सफेद चीजों के दान के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें और अपनी माता को कोई सफेद चीज उपहार में दें। वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि के 8वें भाव में लग रहा है। सड़क दुर्घटना या तबीयत खराब होने के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत के चलते बहुत ज्यादा धन खर्च हो सकता है। भाग्य में रुकावट लाएगा। चावल की खीर बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। धनु राशि वालों, यह चंद्र ग्रहण धनु राशि के 7वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपके पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। पारिवारिक कलह बढ़ेगा। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करें। मकर राशि वालों, ये ग्रहण आपके 6ठे भाव में पड़ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा है। शत्रुओं का दमन होगा। हालांकि थोड़े बहुत खर्चे बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ शिवलिंग की पूजा करें और शिवाष्टक का पाठ करें। कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि के 5वें भाव में लगेगा। लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं और बच्चों की सेहत को भी नुकसान होगा। आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है।
शिवलिंग पर दाएं हाथ से दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा अपनी माता के चरणों को स्पर्श करें। मीन राशि वालों, ये ग्रहण आपके चौथे भाव में होने जा रहा है। घर में माँ के स्वास्थ्य को हानि होगी, पारिवारिक कलह बढ़ सकते हैं और प्रॉपर्टी के मामले में बड़ा नुकसान हो सकता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो ये थे 12 राशियों पर पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभाव और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय। इसके अलावा ग्रहण के समय धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, मंत्रों के जाप करें, माला फेरें, भगवान का ध्यान लगाएं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं तेज धारदार औजारों जैसे चाकू, कैंची और छुरी का इस्तेमाल ना करें। ग्रहण की समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। नहाने के पश्चात दान पुण्य करें, उसके बाद ही रसोई में कुछ खाने की चीज बनाएं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें वैदिक टीवी से।